गए तुम? जान से मार देता आज मैं उसको अगर आप लोग नहीं आते। वास अपनी बंद करो, क्यों घूर रहा था वो आपको ऐसे? अरे पवन, लोग ऐसे ही होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हर एक से लड़ना झगड़ने शुरू कर देता है। समझाएं इसे। आखिर किसी भी सूरत एनी नू एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वह तो सिर्फ आमना ना मुहब्बत करता है, तो आमना भी वो शदीद मुहब्बत करती है। जज्बाती पंच आमना ने ब्याह तो इनकार तो कर दिता सी, पर हूँ वह पछता रही है। हबीब रहीला नू कहता है कि तू चंगा नहीं किया, तो हूँ आलिया नू कह कि वह जमशेद को फौरी तलाक ले ले। लेकिन रहीला ने कुछ भी बोलन तो इनकार कर दिता। इधर जहीर फाखर ते एनी नू ट्रिप ते भेजता है कि शायद इन्हां दियां दूरियां ख़त्म हो सकन, लेकिन अधूरियां ख़त्म होने की बजाय एक नवा ही सिलसिला शुरू हो गया। इधर हमजा एनी दी मुहब्बत च पागल होया बैठा है, तो वह हर कीमत च एनी नू हासिल करना चाहता है। बदकिस्मती ना एनी ते फाखर की गड्डी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एनी फाखर नू कहती है कि शुक्रिया, तू मेरी बहुत ज़्यादा हैल्प की, तेरी वजह ना मैं इस एक्सीडेंट तो महफूज रही। एनी ते फाखर दियां दूरियां ख़त्म होन ही वालियां सी कि ड्रामे दे विच एक नवा ट्विस्ट आ गया। हमजा भी एन मौके ते उत्थे ही पहुँच जांदा है जिथे एनी ते फाखर सी। पुलिस पैसे ठगन दे चक्कर विच एनी ते फाखर दोनों नू जेल च बंद कर दिंदी है। हमजा यह सब कुछ देख रहा हुंदा है, ते ओ पुलिस नू रिश्वत दे के ते इन्हां दियां तस्वीरां विखा के उत्थों फाखर नू कढ़न च कामयाब हो जांदा है। इधर जमशेद का तो मसा मसा विआह होया सी पहले ही, तो हूँ तो आलिया की खूबसूरती दे विच जमशेद गिट्टे गोडे और मुहब्बत च डुब गया है। जमशेद माँ तो भैन नू किसी भी खातर दे विच नहीं लिया। फाखर नू एक नवा मौका मिल गया कि किस तरह एनी नू ब्लैकमेल करेगा। इधर साइका बेचारी भुख ना मरी जा रही सी, रोटी वेख के तो कहती है कि छड़ दो सारिया गल्लां ते फौरी रोटी ला दवो। इधर फैमी ने तो दिल ते ही लै लिया सारिया गल्लां, ते कहंदी है कि दोबारा ट्रिप प्लैन करो, तो हुण सानू दोबारा ट्रिप दिते भेजो, क्योंकि ए ते हुण मेरी इज्जत बेइज्जती दा सवाल है। इधर एनी नू ब्लैकमेल करना शुरू करता फाखर ने। फाखर एनी नू कहंदा है कि तैनू ते आमना ते इतराज सी, ते हुण मेरे को ते एक सोलिड रीज़न है कि हमजा तेरा क्लास फैलो ही नहीं, तेरा दोस्त भी है। मैं हुण सारयां नू दसांगा जिस तरह तू मेरी बेइज्जती कराई सी, हुण इस तरह मैं तेरी बेइज्जती करावांगा। एनी बेचारी रोंदी पिटदी हुण मना करदी है कि मेरी पढ़ाई छुट जाएगी, लेकिन फाखर हमजा नू लिया के एनी दे सामने खड़ा कर दिंदा है, ते एनी कहंदी है कि तैनू शर्म आनी चाहीदी सी, तू किसे लुच्चे लफंगे नू किस तरह लिया के मेरे सामने खड़ा कर सकता है, हालांकि मैं तेरी बीवी है। लेकिन फाखर उन्हूं कहंदा है कि तू जो भी कर ला, मैं तैनू अपनी बीवी नहीं समझदा, ते मैं इस रिश्ते तो जान छुड़ाना चाहना है। अजन तुहानू की लगदा है कि एनी हकीकतन हमजा दी दोस्ती नू कबूल कर लेगी या इनकार कर देगी? अगर तुम मेरा रिव्यू अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल में जरूर सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो में लाइक करो, तो जाते जाते घंटी का बटन जरूर दबियो ताकि हर नवी वीडियो तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।